अनाउंसमेंट हो रहा है। इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे, वो है कि एक महारैली करेंगे 18 जून को, जिसमें हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और माननीय भगवंत मान जी दोनों आएंगे। इस महारैली के बाद हम राजस्थान में अपनी कैंपेन की अपनी प्रचार का आगाज करेंगे और उसके बाद हम राजस्थान के हर गांव, हर शहर के एक एक घर में जाकर केजरीवाल जी और मान साहब ने जो अच्छे काम किए हैं उसको जनता तक लेकर जाएंगे और जनता अपना निर्णय देगी। रहा सवाल आपने जो पूछा है राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों का, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को ख़त्म करने के एक 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 कदम उठाए हैं वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, जनता की मुद्दों की रक्षा के लिए अच्छे लोगों को एक साथ मिलकर देश के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता सब कुछ देख रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में कर रही है, लेकिन हमें घबराने की बात नहीं है, हमें डरने की भी बात नहीं है, हमें बस जनता के पास जाना है, जनता के पास जाना है, जनता को बताना है, जनता अपना काम कर लेगी। राजस्थान में मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर तत्काल कोई कार्रवाई, क्योंकि आप केवल केजरीवाल जी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ भी हुआ है। देखिए मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ईडी का, जिस तरीके से सीबीआई का और चाहे तमाम दूसरे आधारभूत संस्थाएं हों, इन सारी संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है ये दुर्भाग्य की बात है। इस देश में आज बेरोजगारी की समस्या है, इस देश में आप इतनी स्कूल की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, इन समस्याओं को छोड़कर अगर सरकार पूरी तरीके से विरोधियों और विपक्षियों को ख़त्म करने पर अपनी एनर्जी लगाए तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पूरी व्यवस्था को बदलने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का। सर मोदी जी के राजस्थान में दूसरा दौरा देख रहे हैं भाई।